हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आपको पता है सीटेट रिपीटेट स्पेशल चल रहा है और इसमें आज हम लेंगे ईवीएस, जो कि आपका चैप्टर वन चल रहा है। पर्यावरण अध्ययन में चैप्टर वन में हमने कंटेंट वन जो है वो देख लिया, जिसमें हमने पर्यावरण के बारे में बताया, उनके अंतर क्रियाओं के बारे में बताया। आज की वीडियो में हम चैप्टर वन में ही भोजन लेंगे, फूड लेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जिसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, विटामिन और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। कम से कम 3 या 4 नंबर आपके इसी में से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, विटामिन, प्रोटीन है, जिसमें से हर एक में से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में चैप्टर वन, फूड यानी भोजन। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं भोजन के बारे में, फूड के बारे में। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है भोजन क्या है, सभी के लिए आवश्यक अनिवार्य है, इसके बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है। तो भोजन जो है वो पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है। पोषक का मतलब होता है किसी चीज़ को जिंदा रखने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है, न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं। तो पोषक पदार्थ होते हैं जो किसी भी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। ये विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होते हैं और जिनकी मात्रा एवं उनके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी हमारे शरीर के लिए जो न्यूट्रिशन, जो पोषक जरूरी होते हैं, पोषण जो ज़रूरी होते हैं, वही भोजन कहलाता है। जैसे कि हम कोई भी वर्क यदि हम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, तो भोजन के माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि भोजन हम लेते हैं और भोजन से हमें कैलोरीज, ऊर्जा मिलती है और उसके बाद ही हम काम कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी काम सेल्स वगैरह करते हैं, कोशिकाएँ करती हैं, वो सब किसके माध्यम से करती हैं, फूड यानी भोजन के माध्यम से करती हैं। सिंपल सी डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि भोजन में पोषक पदार्थ होते हैं जो किसी भी जीव के कार्य, मरम्मत या जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए ग्रहण किए जाते हैं, लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो भोजन फूड होता है, भोजन तो एक शब्द हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं कि भोजन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए, भोजन के अंतर्गत जो अवयव यानी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, हम क्या क्या भोजन में लेते हैं, क्या क्या हमें चीज़ें मिलती हैं भोजन ग्रहण करने में। तो देखिए, यहाँ पे 7 मुख्य अवयव दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट भी हम लेते हैं भोजन से मिलता है, वसा भी मिलता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल और रेशे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में देख ले। ये जो आपका टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें से हम ये भी बताते चलेंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इससे संबंधित, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कोटीन होते हैं, जो CH एवं O से बने होते हैं, जिसमें CH एवं O का अनुपात समानता है 1:2:1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको है, जो आपको याद रखनी है, ये अनुपात एग्जाम में ऑलवेज पूछा जाता है। CH एवं O जो है यहाँ पे क्या है इसका फुल फॉर्म, तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ठीक है ना। C से कार्बन, S से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जो कार्बोहाइड्रेट जो है ये बना होता है, इस चीज को आपको याद रखना होगा, ठीक है। CH एवं O का अनुपात क्या होता है, तो 1:2:1 होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, एक इससे क्वेश्चन क्रिएट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं और इसके ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर में जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे कि हमने चावल खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब हम चावल खाते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है और उसके बाद जो एनर्जी कैलोरी हमें मिलती है वो ऊर्जा के रूप में मिलती है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं शरीर के मुख्य ऊर्जा के स्रोत कौन होते हैं, तो शरीर के मुख्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है वो है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा 17 किलो जूल ऊर्जा अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितने किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 17 किलो जूल जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको याद रखना है। और दूसरा इसमें याद रखना है कि जो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, कैलोरी ऊर्जा जो है वो कितनी निकलती है,
तो 4.1 किलो निकलती है। ये मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के द्वारा कितने किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना, साथ में इसको भी याद रख लीजिए आप, ठीक है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है, तो हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में कितने प्रतिशत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो 60 से जो 80% ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं, और प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्कराओं में जो फ्रक्टोज होता है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, एक ये क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है। तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है, वो फ्रक्टोज होती है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, ठीक है ना, या प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो वो फ्रक्टोज शर्करा है। 2 क्वेश्चन इससे क्रिएट हो गए आपके, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। जितना ये हमारे लिए ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट, उतना ही, क्योंकि एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ आप लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसानदायक ही होगी। तो ये कार्बोहाइड्रेट में भी लागू होता है कि अगर आप इसकी ज़्यादा मात्रा लेंगे तो फिर पाचन जो यंत्र आपका होता है उससे बहुत सारे जो रोग होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इसकी लिमिट एक है, किससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में अभी पढ़ा, अब भोजन में कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी जितने भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते थे वो हमने बताए। अब भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्न है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, उसके रूप देख लेते हैं। सेल्युलोज सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है जो भोजन के रूप में लिया जाता है। तो ये पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ठीक। पौधे भी तो अपना भोजन बनाते हैं ना, ह्यूमन के साथ साथ में पौधे भी तो भोजन बनाते हैं। तो सेल्युलोज किसका कार्बोहाइड्रेट का रूप है, तो ये पौधों का हो है, पौधों में पाया जाता है। सेल्युलोज सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये पौधों में पाया जाता है, वो भी पौधों में किस में, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कपास एवं कागज़ जो होते हैं वो शुद्ध सेल्युलोज के बने होते हैं। तो शुद्ध सेल्युलोज कौन किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो वो होता है, या शुद्ध सेल्युलोज के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, और ऑप्शन में नीचे कपास एवं कागज़ रहेगा, तो इसे आपको टिक करना होगा, ठीक है ना। तो कपास एवं जो कागज़ होते हैं शुद्ध सेल्युलोज से बने होते हैं। पशुओं में जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में सेल्युलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य में इसका पाचन नहीं हो पाता है। मनुष्य जो है इसको नहीं पचा सकता है सेल्युलोज को, लेकिन जो गाय, भैंस, बकरी होती हैं वो सेल्युलोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको पचा लेते हैं, ठीक है। शर्करा देख लेते हैं, शर्करा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शर्करा में जो शुगर जिसे हम बोलते हैं, ये मीठा होता है, क्रिस्टली सफ़ेद जल में घुलनशील पदार्थ है, ठीक है, और मुख्यतः फलों में पाया जाता है। इसीलिए जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको जनरली जो है जूस वगैरह, फ्रूट वगैरह जो अवॉइड किए जाते हैं, ख़ासतौर पे जो मीठे होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, मीठा हुआ, कच्चा तो खा सकते हैं जो खट्टापन होता है, लेकिन जो मीठा पका हुआ होता है, केला, बनाना, जो कुछ मीठे जाते हैं बहुत पक जाते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो शुगर पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए मना किए जाते हैं इसीलिए, क्योंकि इसमें शर्करा यानी शुगर पाया जाता है जो मीठा वाला होता है। और ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज है शर्करा की जो अतिरिक्त मात्रा होती है, और यकृत में जो ग्लाइकोजन होता है के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित होती है, और इसी तरह यकृत में ग्लाइकोजन रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करते हैं। तो ये हो गया शर्करा से संबंधित। अब हम देख लेते हैं स्टार्च से संबंधित, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका फूड वाला, क्योंकि फूड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्च ले लेते हैं, स्टार्च में से पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ होता है, यानी पादप कोशिकाओं में संग्रहित होता है, रासायनिक रूप से है, एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण होता है, और जिनमें इनका अनुपात 1:4 होता है, और तनु SCI द्वारा ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। हालांकि स्टार्च इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, सेल्युलोज इंपॉर्टेंट है।
कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अब देख लेते हैं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। देखिए मुख्य स्रोत जो होता है ये आलू हो गया, ठीक है, फल हो गया, फल में से केला और आम में जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अनाज, अनाज में से देखिए चावल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं है, मक्का है, अनाज में तीन चीज़ों में है। शर्करा की अगर बात करें यानी जो मीठी चीज़ें होती हैं, शहद है, गन्ना है, चुकंदर है, इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रोटी दूध आदि में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, कभी कभी पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं या कार्बोहाइड्रेट किन में से पाया जाता है, और नीचे जो ऑप्शन रहते हैं उनमें दिया रहता है। तो याद रखिएगा, यदि हम फ्रूट की बात करते हैं तो फल में केला और आम में पाया जाता है, यदि हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो उसमें जो है आलू में पाया जाता है, और यदि हम अनाज की बात करते हैं तो इसमें चावल, गेहूं, मक्का में पाया जाता है, और शर्करा की बात करते हैं तो शहद, गन्ना, चुकंदर में पाया जाता है, और रोटी और दूध आदि में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट अगला ले लेते हैं। अभी तो कार्बोहाइड्रेट चल रहा था, अब हम वसा ले लेते हैं। फैट्स जो मोटे होने का मेन कारण होता है हमारे बॉडी में, जब फैट जिसे हम बोलते बोलते फैटी हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, वसा एकत्रित हो जाती है तो इंसान मोटा हो जाता है, उसकी चर्बी जो स्किन होती है बहुत मोटी हो जाती है, तैली हो जाती है। तो वसा जो होता है वसी अम्लों एवं ग्लिसराल से बना यौगिक है, जो कार्बन यानी सी कार्बन, हाइड्रोजन एच एवं ऑक्सीजन ओ का बना होता है। तो वसा किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनता है, वसा बनता है, ठीक है। और इसमें अत्यधिक कैलोरी यानी ऊर्जा होती है, और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत होते हैं। तो अत्यधिक इसमें क्या पाया जाता है, कैलोरी यानी ऊर्जा पाई जाती है वसा में, और 1 ग्राम वसा के ऑक्सीजन द्वारा 37 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइन है कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीजन द्वारा कितने किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 37 किलो जूल जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। ये जल में अविलेय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि जैसे विलायक में विलेय होते हैं। तो वसा जो है जल में अविलेय है या विलेय है, कि क्वेश्चन भी क्रिएट होता है कि वसा जो है जल में क्या है, अविलेय, विलेय, ठीक है ना। तो ये जल में अविलेय होते हैं, नहीं घुलते हैं, लेकिन वहीं पे एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म जो होते हैं इनमें ये घुल जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, इनमें ये घुल जाते हैं यानी विलेय होते हैं। जंतु बसाएं अर्ध ठोस होती हैं, जबकि वनस्पत जो बसाएं होती हैं वो तरल रूप में होती हैं तथा तेल कहलाती हैं। हमने कहा ना, ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से, तेली चीज़ खाने से वसा फैट निर्माण होता है। तो जंतु में जो वसाएँ होती हैं वो अर्ध ठोस रूप में होती हैं, लेकिन मानव में ये तरल यानी लिक्विड रूप में पाई जाती हैं, ठीक है ना। वनस्पत वसाएँ जो होती हैं, जैसे हम जो लिक्विड आयल वगैरह लेते हैं, वनस्पत वसाएँ का मतलब हो गया जो हम आयल वगैरह लेते हैं। अब वसा के स्रोत देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वसा किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, किन चीज़ों में पाया जाता है, और वहाँ पे ऑप्शन रहेगा। तो देखिए, ये सबसे पहले घी में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, बादाम में, पनीर में, अंडा में, मांस में, सोयाबीन और सभी वनस्पत तेल वसा के मुख्य स्रोत होते हैं। जितने भी वनस्पति आयल्स होते हैं, जो भी आयल होते हैं, वो सभी में वसा पाया जाता है। उसके साथ साथ में घी भी तो एक तरह से लिक्विड तरल है, उसमें भी पाया जाता है, मक्खन में, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन, ये आपको याद रखना है, इनमें भी जो है क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, ठीक है ना। वसा की अल्पता से त्वचा सूखी हो जाती है। मैंने कहा कि हर एक चीज़ यदि आप लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो नुकसानदायक है, यदि कम लेंगे तो वो भी आपके लिए घातक हो सकती है। जो लोग वसा यानी कि आयली तरल चीज़ें बहुत कम खाते हैं तो उनकी जो स्किन सूखी होती है उसी रीजन से होती है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं वो फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और उनकी जो स्किन है वो तैली हो जाती है। वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिनों की भी कमी हो जाती है। जो विटामिन वसा में मिलते हैं, तो जब वसा ही नहीं होगी आपके शरीर में, फैट्स ही नहीं होंगे, तो फिर वो घुलनशील कैसे होंगे, घुलेंगे ही नहीं। वसा के अत्यधिक मात्रा से सेवन से मोटापा हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ज़्यादा ऑयली चीज़ खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा तो सीधी सी बात है हार्ट संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो हो जाती हैं। तो हृदय रोग जो मेन उत्पन्न होने का कारण होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल के से हृदय रोग होता है, ये याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। वसा या कोलेस्ट्रॉल दो चीज़ें याद रखिएगा, दो में से कोई भी ऑप्शन में आता है तो आपको टिक कर देना है।
केवल नारियल का जो तेल होता है तथा ताड़ का तेल जो होता है संतृप्त वनस्पति तेल के उदाहरण है, यानी इनमें वसा नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो नारियल का तेल इसीलिए जनरली लोग कहते हैं जो आयुर्वेदिक है, अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाइए तो वो लोग कहते हैं कि नारियल का तेल आप यूज करें क्योंकि उसमें वसा फैट नहीं होता है और ताड़ के तेल में, ठीक है। मछली का तेल एवं वनस्पति तेल, इनमें भी जो वसा होती है नहीं पाई जाती है, फैटी नहीं होते हैं ये। अब देख लेते हैं प्रोटीन के बारे में। आई थिंक आपकी बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन शब्द जे वर्लियस ने 1930 में प्रतिपादित किया था। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन के प्रतिपादक कौन है, उन्होंने कब इसका प्रतिपादन किया है। जे वर्लियस है जिन्होंने 1930 में प्रोटीन का शब्द का प्रतिपादन किया था, उसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्लों का बहुलक होता है और प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती। तो प्रोटीन किन किन कंटेंटों से मिलकर बनती है अवयव से, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन बनता है। और जो कुछ प्रोटीन होते हैं इनमें गंधक और फास्फोरस और लौह भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। हम एक वीडियो लेके आएंगे जिनमें सिर्फ आपको इसके सूत्र हम फार्मूले देंगे और बताएंगे आपको, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये साइंस है। हालांकि ईवीएस है, ईवीएस में आप साइंस भी पढ़ते हैं तो ये साइंस अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि एफ ई का फुल फॉर्म क्या है, तो लौह हो गया, ठीक है ना। एन का फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन है। तो इस तरह की मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। तो जो प्रोटीन होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बने होते हैं, और कुछ प्रोटीन में गंधक होते हैं। गंधक कौन कौन से होते हैं, एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है। गंधक, तो गंधक में फास्फोरस लौह पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एम्ल पाए जाते हैं। तो प्रोटीन में कितने अमीनो एम्ल पाए जाते हैं, तो 20 प्रकार के अमीनो एम्ल पाए जाते हैं। और भारतोलन एवं कुश्ती प्रतियोगिता को अपने भोजन में समानतः प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। जनरली लोग जो ये लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग डोप टेस्ट में पाए जाते हैं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, उसका इंजेक्शन लेते हैं, यही रीज़न होता है क्योंकि उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है और वो ड्रग्स के माध्यम से उसकी पूर्ति करने लगते हैं। तो भारतोलन एवं कुश्ती में जो है प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एक ये भी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, प्रोटीन के स्रोत। अब प्रोटीन हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, क्योंकि हर एक चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत जो होते हैं, सबसे मुख्य स्रोत जो है वो दाल होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है किस में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद मछली है, अंडा है, पत्तीदार सब्जियां हैं, दूध है, फल है, सोयाबीन है, मटर है, सेम है, पनीर है, दही है, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किन में पाया जाता है, क्वेश्चन ये बनता है, तो दाल में पाया जाता है। और इसके बाद मछली है, अंडा है, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही, इनमें पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, जिसे मरश्मस कहते हैं या स्क्वासर रोग कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। मेरेस्मस और जो क्वासर को रोग होते हैं, ये किससे उत्पन्न होते हैं, प्रोटीन की कमी से। तो एक इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि जो सूखा रोग होता है बच्चों में, जो सूखा रोग होता है वो किस कमी से होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन से आपका है, या फिर मेरेस्मस व जो क्वासर को ये रोग होते हैं इसको क्या क्या बोलते हैं, तो इसको सूखा रोग बोलते हैं। किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ सकता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ बार बार कि ये जो टॉपिक है भोजन, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रोटीन के यदि हम प्रकार में देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन में देख लेते हैं, प्रोटीन के प्रकार चलिए अब देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो इसमें से सरल प्रोटीन में देखिए एब्ल्यूमिन्स और ग्लोब्यूलिन्स पाए जाते हैं, ग्लोब्यूलिन्स। और संयुक्त प्रोटीन में जो है ये आपका न्यूक्लियो प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। और इस तरह से व्युत्पन्न जो प्रोटीन होते हैं वो उसमें इंसुलिन फाइब्रिन पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन के प्रकार हैं, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि सरल प्रोटीन में कौन कौन से, जैसे सरल प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसमें इतने दोनों से मिलकर सरल प्रोटीन बनता है, संयुक्त प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बनता है, और व्युत्पन्न प्रोटीन इंसुलिन फाइब्रिन से बनता है। बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये फूड वाला चैप्टर। अब देख लेते हैं आपका विटामिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। देखिए विटामिन जो शब्द है इसके प्रतिपादक कौन है, तो फंक है। एक ये क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है कि विटामिन्स के प्रतिपादक या जनक कौन है, तो फंक ने जो है विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था, यानी उदय उसका किया था।
फंक ने, और इन्हें इनकी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो विटामिन्स हैं इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, और वो भी घुलनशीलता के आधार पर, एक घुलनशील होते हैं और दूसरा घुलनशील नहीं होता। जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से हैं, अब जो जल में घुल जाते हैं वो विटामिन्स कौन कौन से हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन जो सी होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। और वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से हैं, तो वसा में जो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, ये किस में, वसा में घुलनशील होते हैं। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी जो है और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है, और वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन जो ए है, विटामिन डी है और विटामिन ई है, विटामिन के है, ये जो चारों विटामिन्स हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, जल में नहीं होते हैं, ठीक है। और विटामिन बी, विटामिन सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी घुल जाते हैं लेकिन वसा में नहीं घुलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अब यहाँ पे जो विटामिन्स होते हैं उनकी कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, किस विटामिन से कौन से रोग होते हैं, किन नाम से उनको जाना जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इससे बनते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे जो विटामिन आपका ए हो गया, ए से को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी, यानी ए की कमी से जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से बी विटामिन से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और जो विटामिन सी होता है जिसको हम स्कार्विन अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है, उस वो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। और विटामिन जो डी होता है कैल्सिफेसल के नाम से जानते हैं, वो रिकेट्स नामक रोग होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो या तीन क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं कि ए का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, वो रेटिनॉल है, साइंटिफिक नेम हम ए को जो ए विटामिन होता है रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, और रेटिनॉल के नाम से कौन सी बीमारी होती, कमी से रतौंधी होती है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी होती है, या फिर ए को वैज्ञानिक नाम क्या, तो रेटिनॉल है। इसी तरह से बी का हो जाता है बेरी बेरी, सी का हो जाता है स्कार्विक अम्ल यानी स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, डी का जो वैज्ञानिक नाम क्या है कैल्सिफेसल, और बीमारी कौन सी होती है, वो रिकेट्स होती है। और विटामिन से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बाद में आपके लिए लेके आऊँगी और डिटेल में मैं इनको आपको बताऊँगी, फिलहाल अभी इसको सिर्फ आप याद कर लीजिए, याद करना आपके लिए ज़रूरी है। अब खनिज लवण देख लेते हैं, ठीक है ना, मिनरल्स जो साल्ट्स होते हैं इनको देख लेते हैं। इसमें खनिज लवण में देखिए धातु और अधातु एवं उनके जो लवण होते हैं खनिज लवण कहलाते हैं, और ये हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं, ठीक है। और खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं, बृहद पोषक होते हैं, इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे सी ए पी के एस एन ए सी एल एम जी, ये सभी इनके फुल फॉर्म्स मैं आपके लिए बाद में लेके आऊँगी और इनको बताऊँगी, जैसा कि मैंने पहले कहा। इसी तरह सूक्ष्म पोषक होते हैं, और इन तत्वों का शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है इन चीज़ों के लिए, ठीक है ना, लेकिन आवश्यकता सभी खनिज तत्वों की होती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है आपका विटामिन्स, विटामिन्स में से जो आपके जल में घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन से होते हैं ये आपको याद करना है, और विटामिनों की कमी से शरीर का जो प्रभाव क्या पड़ता है, किस किस विटामिन से कौन से रोग होते हैं ये भी आपको याद करना है, इसका मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी। प्रोटीन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कहाँ से किस में पाए जाते हैं, स्रोत कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, इसके प्रतिपादक कौन से हैं, इसी तरह से वसा, और फिर में बेहद और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज की वीडियो में हमने फूड के बारे में पढ़ा, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।